कारवां सराय में आज की शब्द क़्याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे जनाब आज भी कारवां सराय जो है पहाड़ सराय है पहाड़ों की बातें करेंगे पहाड़ों से बातें करने वाले लोगों से मुलाकात करेंगे खुदी जरा एक टर्म है अंग्रेज़ी में कॉल ऑफ द वाइल्ड इसको तर्जमा कर लीजिए कि जंगल की पुकार या ब्यावान की सज़ा या वीराने की आवाज़ समथिंग लाइक दैट कॉल ऑफ द वाइल्ड और ये जो कॉल है ये जो सजा है मदूर चंद लोग सुनते हैं और वो अपने घरों से जुदा होकर उस बिल्डरस में चले जाते और इसकी बुनियादी वजह ये है कि जब हमारे आबाव करोड़ों साल पहले जंगलों में वीरानों में सहराओं में ज़िंदगी बसर करते थे और वोहिंग पे आ, वो उनके पास तमाम तर वो हिस्सात मौजूद थी जिनसे वो अपने आप को महफूज रखते थे कहीं टहनी टूटती थी, थी तो समझ जाते थे कि कुछ जानवर है दरिंदा है इससे बचाओ कैसे करना ख़तरे की बूँ उनको पहले आ जाती थी समझ हो कि जो मुखालफ शख्स है उसके पसीने से जान जाते थे कि इसके इरादे कैसे हैं ये मोहब्बत करने वाला है या मुझे ईज़ा देने वाला है उसके बाद इंसान जो है वो तहजीब की क़ैद में चला गया अब तहजीब में अलग हिस्सियात मौजूद होती हैं उनमें हिर्स भी होती है तमा भी होता है गुस्सा भी होता है और वो हिस्सात डेवलप करता है वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए लेकिन जितने भी इंसान होते हैं उनमें वो जो आबाई हिस्सात है, लाखों करोड़ों साल पहले वाली वो कहीं ना कहीं मखफी रहती हैं वो तमाम तर मुर्दा नहीं हो जाती उनमें जान होती है सिर्फ ये है कि चंद लोगों की सियात जो होती हैं वो इसकाबल होती हैं कि वो कॉल ऑफ द वाइल्ड सुन सकें तो आज हमारे स्टूडियो में ऐसे दो शख्सियात हैं जो सदाएँ सुन सकते हैं जंगलों की भी और सहराओं की भी और पहाड़ों की भी और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक जो कौन वर्द है जो आवारा गर्द है जो सैलाना वर्द है वो किसी हद तक शहरों में बसने वाले इंसान से दिमागी तौर पर बरतर होता है और उसकी वजह यह है कि उसके पास वो शहरी हिस्सियात भी होती हैं सर्वाइवल की और उसके पास वो आबाई जंगल में सर्वाइव करने वाली हिस्सियात भी मौजूद होती हैं क्योंकि कौन के दौरान भी वो हिस्सात आपको दरकार हैं जो लाखों करोड़ों साल पहले आपके आबादाद में थी वहाँ पे आप चले जा रहे हैं और आप जान जाते हैं कि आप इस नदी को बूर नहीं कर सकते इसमें खदशा है इस रास्ते पे नहीं चलना ऊपर से पत्थर आ सकता है अगर दरख्त हैं उनमें कुछ सरसराहट होती तो उसमें कुछ ना कुछ होगा इसीलिए जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि जो कोह न है जो सहरा न है जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले हैं वीरानों में जाने वाले हैं वो सबके सब, के सब उनकी डबल हत होती हैं यूँ वो आम इंसानों से बढ़तर होते हैं मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अहसन अख्तर साहब ख़ास तौर पर फैसलाबाद से तशरीफ़ लाएँ और आ, आ, मैं कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं हूँ ना मेरे पास रिकॉर्ड है लेकिन मेरा ख्याल है वादी नज़र में आ, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रैक अगर किसी शख्स ने किए तो वो डॉक्टर अहसन है और दूसरी बात यह है कि ये इनकी हिस्सात भी मखफी हैं जो बात आती है लेकिन ये खुद को भी मखफी रखते हैं आपको पता औरंगजेब आलमगीर की एक बेटी थी जेबन रसा तो वो खुफिया तौर पर शायरी करती थी और अपना नाम ही उसने मखवी रखा था तो ये मखफी पहाड़न वर्त बहुत कम लोग इनको जानते हैं क्योंकि ये अपना चर्चा नहीं करते तो उनके साथ हैं फरा महूद तरीफ़ रखती और इनको देख के मुझे तो हैरत नहीं हुई इसलिए कि रीसेंटली मतलब जितनी कोह नवर्द खुवात सामने आई हैं मेरा ख्याल मर्द भी नहीं आए और इन्होंने भी बड़े कारनामे सर अंजाम दिए तो इन दोनों से आ, बात करने से पेशर एक और हकीक़त मैं आपको पेश कर दूँ कि ये महज शहरा नवर्द नहीं है कोह नवर्द नहीं है बल्कि उन कोहस्थानों में और पहाड़ों में और बर्फीली बुलंदियों पर जो पिनहा गांव हैं छोटी छोटी आबादियाँ हैं वहाँ के बाशिंदों को जो दुख हैं ये उन दुखों का मुदावा भी करते हैं वो दुख चाहे कि तालीम ना होने के हों सफाई के हों या डिस्पेंसरी के हों इन्होंने ऑलमोस्ट अपनी ज़िंदगी को ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब ने वक्फ़ कर रखा है उनकी वेलफेयर के लिए चुनाचे इनमें दोनों खसूसियात हैं ये पहाड़ों पर जाते भी हैं और पहाड़ों के जो ज़ख्म हैं उन पर मरहम भी लगाते हैं जी फराब आपने मुझे एक दास्तान सुनाई थी मैं यहाँ एक बूढ़ा दास्तान हूँ इसी तरह लोगों से दास्तान सुनता हूँ और फिर आगे दूसरे मुसाफिरों तक पहुँचा देता हूँ कि आपकी जो कोनवर्दी का शौक़ है वो मरूने मन्नत है एक कंबल के वो कंबल की पता नहीं क्या दास्तान है को आपके वाल साहब ने ओढ़ के बैठे हुए थे तो उनके ऊपर कुछ बार क्या हुआ था वो क्या दास्तान आप बचपन से हमारे वालद साहब हमें कहानियाँ सुनाया करते थे और वो कहानियाँ उनके एक्सपीरियसिस पे ही मबनी होती थी तो मुख्तलिफ़ कहानियाँ आती रहती थी लेकिन एक जो जिसका ज़िक्र जिसके बाद मेरी जिंदगी बदली और मेरा जो आ, सोचने का अंदाज़ बदला वो थी कि ये फिफ अर्ली मतलब फिफ्टीज़ की बात है जब वो अपनी जवानी में ट्रैकिंग कर रहे थे और बालाकोट जो था वो वो भी ट्रैकिंग करते जी वो भी ट्रैकिंग करते हैं कि डी एन ए में जी बिल्कुल ये कुछ मुझे वरसे में मिला

तो जब लोलो सर तक पहुंचे वहां अब तो पुल बना हुआ है पहले वो भी कमर पे रस्सी बांध के वो क्रॉस किया फिर जब हाँ। उन्होंने बकर, बकर वाल के साथ जब डेरा लगाया से उनको दूर से एक शख्स आता अकेला नजर आया वो कोई फॉरेनर था करीब आने पे पता चला जर्मनी से आया इन्होंने दरियाफ्त किया तुम यहाँ कहाँ धक्के खा रहे हो तो उसने कहा कि जी मैं जर्मनी से आया हूँ केटू देखने अच्छा अब ये इन्होंने उसको काफ़ी समझाया कि भाई ये अभी बाबू सर टॉप है फिर आगे केटू तो बहुत दूर है यहाँ से hmm. लेकिन वो नहीं उसको एडमेंट था कि मैंने जाना ही जाना है अच्छा फिर इन्होंने क्या किया कि जमा करके जो पैसे थे वो उसको दिए और अबू के पास एक कंबल था वो उसको दिया कि भाई तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है बे आसरा तुम ये ले जाओ और कहानी का अख्ताम भी बड़े वो भी ड्रामा है कि हम अभी आ, मेरी जिंदगी का पहला ट्रैक जब मैंने आ, किया है आ, सैफल मलूक का तो हम वापस आए थे पार्क होटल होता था वहाँ पर उसमें हम बैठे हुए थे तो उसके आखिरी एपिसोड उस दिन होनी थी तो वो उन्होंने मुझे बताया कि ये आ, वो उसने केटू देख लिया कहानी का अख्तिताम हाँ। मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि उसने उन्होंने उसने केटू देख लिया कहते जब मैं अपना ट्रैक करके कराची वापस गया तो वहाँ पर कुछ अरसे बाद कुछ महीनों बाद एक मुझे पार्सल मिला जिसमें वो ड्राई क्लीन हुआ हुआ कंबल था अच्छा। और साथ एक लेटर था अच्छा अब मेरे दिल में ये हुआ कि भाई ऐसा क्या चीज है केटू क्या चीज है कि एक बंदा इतनी दूर से चल के और हमारे मुल्क में और हमें कुछ पता नहीं अब हमें सवाई वो फिर मैंने دریافت किया उस जमाने गूगल वगैरह कुछ नहीं था 50 के नोट पे और मेरे चाचा केटू सिगरेट भी सिगरेट की डब्बी पे अब मैंने जिद लगा दी कि के मैंने केटू देखने जाना है अब अम्मी शुरू में करती रही अच्छा भई ये वो फिर बाद में थोड़े और साल गुजरे तो कहती हैं जैसे हमारी माओ का होता है अपने जब शादी होगी ना तो अपने शोहर फेर, फेर जाए अब मैंने दुआ मांगनी शुरू कर दी मेरी ऐसे बंदे से शादी <laughs> हो जल्दी, जल्दी हो नहीं ऐसे बंदे से शादी हो जो मुझे केटू लेके जाए तो अल्लाह ने भी दुआ सुन ली बाल साहब कोई गोरा मिला जी और वो बिल्कुल और उसको आइडिया भी एग्जैक्टली नहीं कि के क्योंकि वो रास्ता तो नहीं है नहीं। मैं 54 में जब गया हूं तो हम भी उसी विराने में बाटाकुंडी से आगे चल रहे थे वहां पे हमें एक तनहा लड़का मिला और आ, हमें खौफजदा हो गए क्योंकि वीरानों में वहां पे दरिंदे थे एट दैट टाइम तो खैर जब हम उसके पास पहुंचे गवर्नमेंट कॉलेज की जो पहली एक्सपिडिशन गई है ऑलमोस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो पहली ट्रैकिंग एक्सपिडिशन गई है कॉमन कॉलेज की तरफ से आ, किशन गंगा एक्सपीडिशन उसमें मैं शामिल रहा तो वो शख्स नौजवान था हमसे ज़रा दो चार साल बड़ा था तो हमने उससे कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं कहने लगा मैं हुंदा जा रहा हूँ तब तक हमने हुंदा का नाम नहीं सुना तो भाई आप वहाँ क्या करने जा रहे हैं उन्होंने आ, अपने बैग में से नेशनल जोग्राफिक का एक शुमारा निकाला उसमें हन्जा के ऊपर एक स्पेशल आर्टिकल था उस दरमियान में एक लड़की की तस्वीर थी कहा ये मैं इस लड़की को देखने जा रहा हूँ क्योंकि मैं इश्क में मुबला हो गया हूँ उसके वो बहुत सादा दिल लोग तब हुए तो होते थे ना कि ऐसी तस्वीर देख के उसके इश्क में मुबतला हो गया और वैसे नहीं। नहीं। भी वो ज़माने ऐसे होती हैं कि हर आ, लड़की के ऊपर बंदा आशिक हो जाए तो और वो मैंने कहा कि भाई तनाव कहने का कोई बात नहीं तो दो चार साल के बाद वो मुझे मिला तो मैं वो मुझे नहीं पहचानता जानता था लेकिन मैंने उससे पूछा कि डू यू रिमेंबर मी उनका नहीं मैंने कहा वो जो चार पांच लड़के आ रहे थे फिलहाल मैंने कहा क्या तुमने उस लड़की को देखा कहने का नहीं इसलिए कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ तो उनका मुआरा बड़ा स्ट्रिक्ट और मुझे भी एहसास हो गया कि ये ख्वाब था एक शराब था जिसके पीछे मैं यहाँ तक आया लेकिन तक इससे हुआ ये कि मैं पहाड़ों के इश्क में मुब्तला हो गया उस लड़की के तो अच्छा अब आप कहिए कि आपका शादी हो गई और मियाँ आपके बहुत रसाइल और मुलायम तो तीन चार साल तो राम करने में लगे उनको। हाँ। <laughs> पहले का नार, कागान तक फिर उससे आगे फिर जैसे। अच्छा आपने बहुत सारी वो आप जो एक फिल्म आई है लाला लैंड या क्या जी जी तो आप लाला लाइन में घूमती रही हैं कि जी हैस्पर ला है आ, वो शमशाल ला है पता नहीं खुंजराब ला है कि ये ला क्या होता भाई पासस होते हैं दो दर्रा है अच्छा हम ल... तो पहले शुरू में तो हमने किताबों में तो सिर्फ ये खैबर पास कैबर हां नहीं ला लेकिन ला का जी बिल्कुल बिल, बेसिकली तिब्बत है दर्रे के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन आप खصوصی طور पे ये दर्रों को عبور کرتے ہیں جی جی और वही मैं आपको बता रही थी कि फिर वो ये मोहब्बत इतनी डेवलप हुई 2002 में मौका मिल ही गया गोंडोगोरो गोरो के okay, टू मतलब गॉडिया और वो करने का और वक्त वो वो हमारे कुछ माली हालात भी आपको पता है जैसे ट्रैकर्स के होते हैं हमारे पास पूरा इक्विपमेंट भी नहीं था अब अब नाम हार्नेस और ये सारी नहीं वो सारा कुछ है लेकिन हम इधर से गए थे गंदोगोरों के दामन तक पहुंचे हसपा या क्या जगह जी जी बिल्कुल

आज हाँ हमारी टीम में मेरे नاصر थे साथ मेरे हस्बैंड थे और हमारे दो मेंबर्स और अच्छा आपके बच्चे माइंड नहीं करते कि तो मियां बीवी अच्छा भी हमारे बच्चे अल्लाह ने कुछ ये कुछ काम सब कुछ कराना था इला पास हाँ? तो मेरा बेटा बहुत देर में हमें अल्लाह ताला ने दिया हाँ? तो उसका हमने टाइम का बहुत आ, आ, फायदा उठाया हाँ? 2005 में हमजा हुआ मेरा बेटा तो उसके बाद फिर आपने देखा काफ़ी गैप है मेरा फिर उसका दो हज़ार सत्रह में मैंने आ, नहीं मैं ये से... पूछना चाहता हूँ कि ये आपने बिल्कुल की... हुआ ये मेरे जो थे अब मैं ऑन एयर कैसे कहूँ लेकिन जो बिल्कुल नासिर से मोहब्बत करने वाले उनके करीबी लोग थे वो कहते थे तू तो आप तो मरेंगी साढ़े प्रानू भी ला मरेंगी <laughs> तो अच्छा इस सिलसिले में मुझे एक मैंने आपकी देखी है वीडियोस जी जी मैंने देखा कि एक बहुत खूबरू माशाल्लाह दाढ़ी वाला शख्स हल्की सी दाढ़ी उसमें वाइट है और बड़ी फरमांवरदारी और मतलब बड़े एहतराम के साथ फर के पीछे जा रहा तो मतलब कि ये एहतराम और ये फर्मबरदारी वैसे तमाम खामंदों को होनी चाहिए मुझ में भी है लेकिन मुझे एक बात याद आती है कि जब खामन पीछे चलता है तो उसमें कोई ना कोई ही होती ये नहीं है कि भाई अच्छा ये जो जा रही है तो आगे को बर्फ़ की दरार होगी तो पहले तो यही गिरेगी <laughs> इसलिए पी जे चले आ और मैं गिरी भी हूँ हाँ देखा तो लेकिन अच्छा, अच्छा एक मैंने देखा था कार्टून सा आप कह लीजिए कि एक साहब है वो बुरका पोशा है उनकी एहलिया तो आमतौर पे आगे अकड़ के चलते हैं जिस जिसमें चलते हैं तो एक रोज़ उनके पीछे चल रहे थे आगे उनको लगाया उन्होंने कहा क्या बात यहां है यहाँ इनको आगे क्यों लगाया कहने लगा लैंड माइन है आगे रीज तो इसको इसलिए तो आप वैसे एहतियात किया कि जी ये जो मियाँ साहब समझते हैं या आपके बहुत बड़ा मतलब एक फर्मा बरदार है

वो है खुर्दुपिन पास। खुर्दुपिन। हाँ जी। जी। और हम अस्कोले पे इसका हुआ अच्छा दरम्यान दरमान में, में दरमियान में हम स्नो लेक से होते हुए हाँ। बस बेफो से होते हुए फिर हम आ, आ, अस्कोले आ गए ये खतरनाक था ये खतरनाक इसमें दो स्टेजेस तो बहुत खतरनाक है खास तौर पर जो कुदरत कैंप वाली स्टेज है हाँ। हमारे एक जानने वाले कुदरत कौन सा है ये शमछाल वाला जी शमशाल वाला कुदरत आपको पता है कि जब मैं शमशाल गया हूँ और वो पुराने जमानों में जी, जी। मतलब दो दिन लगते थे तो कुदरत मेरा पोटर था अच्छा अच्छा तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब इन लोगों के क्योंकि वो एक्सप्लोर था बाद में मेरा ख्याल उसने माउंटेनरिंग का एक स्कूल भी कायम किया है वहाँ अभी भी सर अच्छा तो उसने वहाँ पर उस कैंप को उन्होंने चार पत्थर रख के ना एक वजह से खिड़की के बननी <coughs> नहीं होती बस ऐसे एक, एक चीज बनाई हुई है जिसमें टेंट लगने की भी गुंजाइश नहीं है ये का टेंट बस लग सकता है अच्छा। और उसको यानी कि जब आपने खुर्दुपिन का ग्लेशियर जो है वो एक साइड से मुड़ता है जब तो पूरी दीवार आ जाती है आइस की और आपने साइड पे जो आपको रॉक वॉल है उससे चढ़ना होता है और रॉक वॉल पे हर पंद्रह बीस मिनट बाद जब वो गारा जमा होता है बहुत ऊपर से तो पत्थर वो जब छूटता है तो पत्थर सारे आते हैं फिर आपने स... स... कोई रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग कहीं से दी रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग मैंने इस्लामाबाद में जब मैंने ट्रैकिंग शुरू किया तो मैं हाँ। इस्लामाबाद में होती थी हाँ। तो वहाँ पर शादरा में और मरगरा हिल्स में प्रॉपर ट्रेनिंग मैंने की आच्छा, थी आच्छा। तो नहीं आप मौत से कब रूबरू हुई बहुत से क... वो बिल्कुल रूबरू आपके बल्कि हमारे जेबों में हर जगह पत्थर छोटे छोटे कंकरियाँ जमा हो गई और एक पत्थर तो आके लगा भी था लेकिन अल्लाह का बहुत करम है कि मुझे ना कभी मुझे पूरा यकीन होता है कि मैं पार तोड़ मैं ले जाना है क्योंकि मुझे कभी इस तरह डर नहीं हुआ लोग ये भी पूछते हैं कि जी आपको कोई इस तरह की मखलूक वगैरह कोई नज़र आई फीलिंग होती है मगर बहुत दोस्ताना फीलिंग होती है कभी मुझे खौफ नहीं आया उन इलाकों से नहीं वही मैंने कहा ना कि आवाई हिस्स होती है उसमें जान जाते हो कि भाई खतरा है या नहीं है तो अल्लाह का शुक्र है कि खतरा अच्छा, मौत सबसे ज्यादा और डिफिकल्ट भी यही डिफिकल्ट भी ये था लंबा है अठारह दिन अच्छा ये जो आपने किया पर जी ब्यापर ला जी जी। तो ये तो पूरा आपने स्नो लेक का किया ये पूरी स्नो लेक हमने किया जी अच्छा स्नो लेक कितने रोज लगे होंगे आप हमने ग्यारह दिन में हम ग्यारह दिन में हिस पर पहुंच गए थे अच्छा जी तो मैं भी गया था और मैं खासा बूढ़ा था एट दैट टाइम मैं हमेशा देर कर देता हूँ जहाँ भी जाता हूँ तो एक मुझे महसूस हुई वही आबाई हिस्स वाली कि वा, कोई हमें रास्ते में कोई एक्सपीडिशन ना मिली जाती हुई ना कोई आती वो, वो टोटली लोन नहीं मिलती तो बहुत मज़ा आता था अच्छा वो बा, लेकिन 12-14 दिन में आपकी खसलतें बदल जाती यानी जब हम तहजीब में पहुंचे हैं करीमाबाद मसलन तो हम स्ट्रेट चल नहीं सकते थे हमें इतनी आदत थी यूँ यूँ करके <laughs> चलने की और हमें एक ख़ास वहशत और एक ख़ास दरिंदगी तो नहीं कहना चाहिए कि वो जो जानवर की सफात होती है ना वो पैदा हो चुकी थी आ, मतलब हमारी लुक में और खर्चे में यूं खड़ा हुआ पीछे मुड़ के देखा <laughs> कौन आ रहा है तो मैं यही सोच रहा था कि अगर कोई शख्स वहाँ पर तीन चार माह उस वीराने बर्फानी वीराने में रहे

मैं मुझे सभी खूबसूरत लगती हैं और ट्रैकर को सभी खूबसूरत लगती हैं लेकिन इवन देन एक जो होता है ना कि अल्लाह कहने को जी जाए जो अल्लाह मेरी निकली है ना वो खुर्दपिड के टॉप से क्योंकि उधर स्नो लेक का हर पास और हर व्यू नजर आता है और इस साइड पे भी और सामने भी और आ, हिस पर तक आपको नजर आ रहा होता है अच्छा। आगे आ, थोड़ा सा अगर आ, बस सिर्फ कॉर्फो गोरो से पहले पहले हर चीज नजर आ रही होती है

इस ये इजी है लेकिन इसकी जो जब इसका पास है ना पास से नीचे उतरना ग्रेवल है सारी उसमें थोड़ा सा आपको हाँ ये जो इक्विपमेंट है इसका कोनवर्दी का है, जी जी। का बहुत महंगा इक्विपमेंट है तो मतलब है कि इसकी हैं और ये और वो सारा कुछ तो वो मतलब अफोर्ड कर लेते हैं सर आप पहले वो? तो आप सच्ची बात है कि सारी सेकेंड हैंड जो लंडे से हमारी हमें मिलती थी जूतो जब हम कंकोडिया और ये तब गए अच्छा मैं आपको अब लंडे की बात की तो मेरे पास भी है एक <laughs> दास्तान कि जब हम गए हैं एक्सपिडिशन पे पहली किशन <laughs> गंगा एक्सपीडिशन पर तो उन्होंने जो हमें फहरिस्त दी थी वो हमारे लिए बिल्कुल इट वाज जस्ट लाइक ग्रीक वई वो बट इट वॉज उसके ऊपर लिखा होता है रुक सा हमने सुना ही नहीं उसके ऊपर बाकी पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ तो हम लंडे में गए थे वहाँ रिसेंटली सेकेंड वर्ल्ड ख़त्म हुई थी वो गोरे जितने भी मरे थे ना उन सबका इक्विपमेंट लंडे <laughs> और वो जरावें मोटी जो हैं ऊनी वो भी हमें वहाँ से मिली स्वेटर भी ऊनी वहाँ से मिले यानी हमारा टोटल इक्विपमेंट लंडे से आया और उसमें एक ट्रेजी ये हो गई कि बूट भी वहीं से मिले तो बूट एक साइज़ गलती से ग्यारह का आ गया एक दस का आ गया मेरी दस है तो वो पूरा ट्रैक मैं करके। के साथ। अच्छा यहाँ से मैं बात आता हूँ कि डॉक्टर साहब आपके एक पैरों में भी खम है और इसके बावजूद मतलब मैं आपको पहाड़ों का लॉर्ड बायरन कहा करता हूँ इसके बावजूद आप इतने सक्सेसफुल हैं तो इसकी क्या वजह है किस तरह आप उसको कंट्रोल <coughs> करते हैं आपने एक ख़ास रिदम बना ली सर उसमें सर ये है कि मैंने कभी ना फास्ट चलने की ट्राई नहीं की हुँ. मेरी स्पीड स्लो है नो मैं सर कभी तेज़ चलने की कोशिश भी नहीं करता हुँ. सर एक इसमें कंसिस्टेंसी का मैटर होता है कि ट्रैक नॉर्मली हमसे अच्छे लोग हैं आ, यंग लोग आते हैं एग्जास्ट होकर चले जाते हैं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सर आपने हमेशा कहा कि यार या सर नीचे रख के ना जैसे क्रिकेट का टेस्ट मैच होता है ना टेस्ट मैच में सर नीचे रख के ना टिप टिप मारनी है लूज बॉल का वेट करना इसमें सर बस आपको एक कॉन्स्टेंट पेस के साथ स्लो एंड स्टडी और किसी के साथ कोई फाइट नहीं है कि कोई किस टाइम पहुँचा आपने अपना इन्जॉय करना है सर मैंने शायद ज़्यादा इन्जॉय किया है मुझे ज़्यादा टाइम मिला अच्छा मैं इन्जॉयमेंट की बात मैं बात पूछ रही थी मसूफ़ पहाड़ों के इस कदर इश्क में मबला है मैं बयान नहीं कर सकता कि आप जा रहे हैं फजूल सा एक बैरन सा पहाड़ है सुबह तार साहब देखिए ओह हा क्या मज़ा आ गया इनकी जो है ना ये कि हर चीज़ में मज़ा आ गया यहाँ इनको कोई वो बिच्छू भी काट लेना टांग सूझी हुई है डॉक्टर साहब देखिए सही कितना खूबसूरत बिछ्छू है शिमाल का है वाह वाह वा, मज़ा आ गया मज़ा आ गया आप दरार में गिर पड़े हैं डॉक्टर साहब ऊपर से झाँक रहे हैं मज़ा आ रहा है ना देखें इतनी ठंड कितनी है। मतलब इनको पहाड़ों की हर चीज़ से सर होता भी ऐसे ही सर लेकिन जब आप एक जगह आप आप लाइक करते हैं हैं ना ना एक्स्ट्रा तो तो सर फिर उसकी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होते तकलीफ होती नहीं है, है कि जब आपका, जब आपका जो मोहब्बत है वो ऑब्सेशन में बदल जाए तो फिर कुछ चीज नजर नहीं आती है तो वहाँ रात को आप इतने उल्टिया भी कर रहे हैं कई दफ़ा हाइट भी लग जाती हाँ, है पे आप और ठंड से बुरा हाल है पाँव का पता ही नहीं है साथ के नहीं है लेकिन फिर भी सुबह उठ के हम फिर तैयार होते हैं और वापस आके फिर अगले साल जाने को तैयार होते हैं अच्छा यही मैं पूछना चाहता था कि मैं तो अपनी बात करूंगा ना कि आम तौर पे ट्रैक के पहले दिन अपने आप को बहुत बुरा भला कह रहे थे और जिस दिन कोई बढ़ जाए तो फिर तो बिल्कुल ही के अच्छे भले वहां रहते थे तमाम सहूलते थी पागल लोग क्या करने आ गए वगैरह वगैरह लेकिन जूँ ही आप वापस आते हैं किसी ट्रैक के घर में कदम रखते हैं तो अगले ट्रैक का नक्शा आपके जहन में उभरना ये 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 पागलपन नहीं तो और क्या पा, प, ये पागलपन हमारा तो उससे भी ज़्यादा आगे है कि जब हम आ, आ, स्नो लेक पे हिसपर के पास बैठे हुए थे तब हमें बताया था एक हमारा जो गाइड था सतपारा का था ये मेरी आदत है मैं बस वही बातें ऐसे देखती रहती हूँ ये क्या है वो क्या है वो पहाड़ कौन सा है तो उसने फिर तब बताया था दो में हमने जब हिसपर पास किया दो हज़ार तीन में स्कूल के बैठे उसने बताया था पास है ये तो कोई अंग्रेज़ करता है एक आर्मी के बंदे ने किया ये तो आम बंदों का उस दिन से मेरे दिमाग में फंसा हुआ था कि ये क्या ऐसी चीज़ है हमारी भी हड्डी बोटी वही है सब कुछ हुआ है हम क्यों नहीं कर सकते तो ये वही बात है कि इसका हमने कंसीव तब किया 2003 में कंसीव हुआ दो में हमारा ये वो कौन सी लेक देखे ना मैं भूल जाता हूँ झील जिस जिसके लिए मैं गया था वहाँ पे सोफराबाद गया गए क्रोम्बर लेक सर क्रोम्बर का भी ये आपने क्योंकि मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया मुझ में भी कोई एक चीज़ में सुन लेता हूँ तो फिक्स हो जाए वो चाहे गंदारा को, को मुजस्मा हो को खातून हो ईवन मतलब <laughs> मैं आई एडमिट लेकिन कोई मंजर हो मैं नज़ीर सावर के दफ्तर गया वहाँ पे इस्लामाबाद वहाँ पे एक क्रिसमस कार्ड पड़ा हुआ उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत एक लेक उसकंडे हो गए ये वो तो मैंने कहा कि नज़ीर ये तुम्हारे को कनेडियन जो हैं दोस्त उन्होंने भेजा को क्रिसमस कार्ड था ये क्या कहने कहा हाँ तो मैंने कहा ये कहाँ है कैनेडा में ये देखो उसने कहा ये कैनेडा नहीं है इसका नाम क्रोम्बर और पाकिस्तान आई डेंट नो टिल देन कि देर इज लेक ऑल क्रोम्बर और फिर वो फिक्सेशन शुरू हो गई वो मैंने वहाँ पहुँचना है तो बात और वो हम पहुंचे ही फिर आगे गए जो भी हुआ लेकिन ये है कि जो सहरा है कौन वर्स हैं टाइम्स ऑफ पुराने जो आवारागर थे ना वो कहीं बैठे हुए हैं किसी कारवां सराय में वो मेरे जैसा बाबा को कहानियाँ सुना रहा है उसने किसी और मंजिल की दास्तान सुनाई तो वो छोड़ के उधर चले गए बिल्कुल सही बात अच्छा और बींगे मैं समझती हूँ ये ज़्यादा डिफिकल्ट रहा मेरे लिए कोई औरत कंकोडिया जाने का सोचना या मजीनो पास जाने का सोचना ये बिल्कुल मयू, मतलब मयूबी हंसते थे लोग कि कि वही बात है कि कैसे जाओगी क्या करोगी हाँ। लेकिन वो ज्यादा एफर्ट पहाड़ से तो जो लड़ाई की है, की है है से भी करनी पड़ती है फिर हाँ। ये ये ज्यादा लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखती हूँ कि ये तीस साल में अब तो दुनिया अब, अब काफी खात आई है पाकिस्तान अब बहुत ज्यादा आ गई है अच्छा आपकी को फेवरेट या मर्द कोई ऐसे होंगे जिनको आप करती हैं। मैं मैं बहुत से 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 मेरी पहले दोस्ती दोस्ती है। है। हाँ। जब उसने किया तब से दोस्ती है। ये वो ले हाँ। लेकिन जिस तेजी के साथ इसने और जिस डिटर्मिनेशन के साथ और जिस मतलब आंधी की तरह तूफान की तरह सब करके में तीन माउंटेन उसने किया ख़्याल वो बहुत थी मेरे, मुझे बहुत, मैं बहुत उसे, तो ये कब आ रही हैं ये किसी वक्त भी आ जाती है <laughs> हैं हैं बस जब आपको अलावा सरबाज खान है अपना ब्रॉड बॉय शेरोज काशि जोशी के जोशी के साथ ही तो गई हूँ देखे ना जोशी हमारा दोस्त जोशी तो सुने आपने शेर तो हमें नहीं आ शेर जोशी की एक, एक स्टाइल जो जो है ना जो हमारे साथ, अभी, जो साथ शायद होता, नहीं अभी जैसे एक स्पॉट पे आके जहाँ पिछले साल ये लोग इन्होंने किया था तो जहाँ एक ब्रिज था ग्लेशियर्स का अब वो जहाँ वहां पहुंचे तो ब्रिज क्लैप्स हो चुका था अब यहाँ तो हम कराविस में उतरते बहुत बहुत चौड़ा था उसने कहा नहीं वो अपना बस उसका मीटर घूमता है और वो कुछ सोचता है और करता है और फिर उसने एक ऐसा रास्ता ढूंढा जाहिर है वो थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन हमने हम हमें लग रहा था हमें वापस जाना पड़ेगा यहाँ से वापस चढ़ के हमें पा लेकिन उसने वो उसके लिए इसीलिए मैंने उसका नाम पार्ट फाइंडर रखा हुआ है डॉक्टर साहब याद है कि हमारे साथ था अपना बिल्कुल सर अच्छा ये पहली मरतबा था जब मैं उसे मिल रहा था तो बड़ा ऑर्डनरी सा लड़का लगता है एक तरफ बैठा रहता है ज़्यादा बातें नहीं करता तो एक रोज़ वो जो आ, आ, क्या है सागा फेरी उसके गिर जो माउंटेन्स वहाँ पे ऊपर चढ़ के हम बैठे रहते थे ना आगे से आराम से आ, आ, वो आ, ग्लेशियर नज़र आता ग्लेशियर। हाँ तो पता नहीं क्या बात हुई कुछ चीज़ मुझे नजर आई बहुत दूर तो मैंने कहा यार जोशी ये पता नहीं क्या चीज़ है अच्छा इससे पहले को मैं और करता वो जू करके गया नीचे और उसके बाद वो ग्लेशियर का ना उसको मेरा ख्याल है दरार कुछ कहती है ना को बुलंदी कुछ कहती है इस तरह गया खरगोश की तरह और मेरा ख्याल दस मिनट के बाद वापस आ गया सर मैं इतना वो तेज़ रफ्तार था उसके लिए कोई तो इसलिए आप भी उसके साथ जाते रहे सर हम और शेख एक जगह खुर्द मैडम की जो बात कर रहे हैं ना खुद ग्लेशियर में एक हाइट आई अल्कलाइन हाइट थी हमें सत्रह मिनट लगे गया चढ़ रहे ऊपर के अब्दुल्ला में देख रहा था मैं अब्दुल बैडल गांव कितनी देर में नीचे पहुंचते हो उसे नीचे देखा कदा बताओ हाँ. मैं तुम तीन मिनट में पहुंच सकते हो हाँ? कदा वेट करो स्टार्ट स्टार्ट पर कैन यू बिलीव दिस वन नौ में सेकंड में नीचे उतर गया 9 अच्छा। में सेकंड 9 सेकंड अच्छा तो क्या है उसमें सर नेचुरल ऑपरेशन तो है उसकी तब कभी उसे आप शेक हैंड करेंगे ना उसका हाथ ढबल है अच्छा लुक्स लाइक जैसे जेन्युइनिक

तो खुद पे नाम मैंने 2010 दस साल पहले किया स्टक हो गए वापस आए 10 साल बाद दोबारा प्लान किया फिर स्टक हो गए इससे सर के ऐसा, ऐसा चूज किया कि जो के अमेजिंग था अच्छा शॉर्टकट लेकिन सर मतलब सुसाइडल गेम थी वो करके हमने में उतर गए वो सुसाइड हमने भी फिर अच्छा इसको हमने बुलाना इस प्रोग्राम में ठीक है जोशी को तो आपने बंदोबस्त करना सर मैं उसको लेके आता हूँ बिल्कुल कुरान पाक में रकम है पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि हमने पहाड़ बनाए ताकि ज़मीन को तवाज़न में रखा जाए यानी एंकर्स जो हैं वो पहाड़ अब जो पहाड़ ज़मीन को मतवाजन रखे हुए हैं उनकी बातें शुरू हो जाएं, तो वो फिर ख़त्म तो नहीं हो सकती आज की इस महफल में भी पहाड़ों की बातें होती रही हैं और इंशाअल्लाह शह आइंदा एपिसोड में भी यही बातें जारी रहें